नौजवान नशे के उस पर लगे थे, लेकिन हमारे सीएम साहब ने कसम उठाई कि मैं इसका जो कमर है वो बिल्कुल तोड़ दूंगा। ये जो 2-3 महीने का टाइम पीरियड था जब लॉकडाउन था, 1 लाख नौजवान और जो रजिस्टर हुआ इसमें, मतलब 5 लाख नौजवान अब तक रजिस्टर होके काफी उनमें से ठीक भी हो गए हैं, काफी का इलाज चल रहा है। तो नशे की जो बात थी उसमें हमारी सरकार सफलता की ओर बढ़ रही है। हर नौजवान को इस चीज में से बाहर लाना जरूरी है। हेल्थ एजुकेशन दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो हर इंसान की नेसेसिटी है। इन गानों का जो असर है वो शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे जो नौजवानों की सोच है उस पे असर गलत डालता है। असर डालता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी संवाद दिनेश के साथ कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कहते हैं किसी भी देश के विकास के लिए यूथ का एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक यूथ के रूप में, एक युवा के रूप में मौजूद हैं चर्चा के लिए, एडवोकेट कंवरबीर सिद्धू, जो कि डिस्ट्रिक्ट मोहाली से प्रेजिडेंट हैं कांग्रेस के। कंवरबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। कंवरबीर जी, चूंकि आप यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मोहाली से, जी पंजाब का एक बड़ा जिला हैपनिंग जिला माना जाता है, जी क्योंकि बिल्कुल पंजाब में कहीं ना कहीं जितना भी डेवलपमेंट आता है तो सबसे पहले कहते हैं कि मोहाली जिले से स्टार्ट होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल तो ऐसे में जब आपको अब ये जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे पहले अब इस पर आपकी क्या एक स्ट्रैटेजी है जो आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि यूथ को किस तरह से एम्पावरमेंट का आपने बेड़ा उठाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मोहाली का डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो रोल मिला है उसके लिए मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ अपनी पार्टी का, अपने प्रेसिडेंट साहब का। और जहाँ तक यूथ कांग्रेस की बात है, यूथ कांग्रेस ने कुछ संकल्प ले लिए हैं जो हम नौजवानों को, जो सशक्तिकरण है नौजवानों का, उसके लिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। खास तौर से जैसे पंजाब है, पंजाब हमारी गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो कोई स्कीम्स हों जैसे कोई पेंशन स्कीम है या किसी तरह का बेनिफिट की स्कीम है, कोई लेबर की स्कीम है, मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं और आगे जाके, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं और मेरी टीम एक अच्छा भूमिका निभाएंगे ताकि जो पार्टी की नीतियों और ये जो सरकार की स्कीमें हैं ये आम लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुंच सके, और जो हमारे युवा हैं उनकी जो आवाज़ है उसे हम अपनी सरकार तक और ऊपर दिल्ली तक उनकी आवाज़ को लेकर जा सके। कंवरबीर जी, आपने बताया और 2017 से हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में अभी कार्यरत है। जब कैप्टन साहब ने सीएमशिप के लिए प्रभार संभाला अपना, तो उन्होंने सबसे पहले युवाओं में रोजगार और युवाओं को संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने जी बात कही थी। जी लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो पंजाब का युवा है, जो माइग्रेशन अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है, पंजाब का युवा कैनेडा अमेरिका जाने के लिए तत्पर रहता है, बिल्कुल ना कि यहाँ पे रह के रोजगार के लिए। वो ये कहता है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, इसलिए मुझे बाहर जाके मेहनत करनी है और अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ पे भेजना है पैसा। तो बिल्कुल इस पे आपकी सरकार ने किस तरह से कदम उठाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में जो हमारी सरकार बनी थी, कुछ मुख्य मुद्दे थे जिनके ऊपर लोगों ने हमारे अंदर जो भरोसा जताया था, चाहे वो रोजगार का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था या ड्रग्स का मुद्दा था, तो वो सभी मुद्दों को लेकर सरकार ने बहुत गंभीरता से जो भी फैसले लिए हैं अब तक, बहुत गंभीर होकर हमारे सीएम साहब ने, सारी टीम ने अच्छा काम किया है। और मैं नहीं कहता कि हम कामयाब हो चुके हैं, लेकिन उस दिशा की ओर हम लोग बिल्कुल बढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह काम चल रहा है। जैसे आपने कहा कि माइग्रेशन जो युवाओं का है वो बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि अब आपने देखा कि पिछले 10 साल में जो कांग्रेस से 2007 से जो 2017 का जो पंजाब में दौर था, उस टाइम में पंजाब में जो आर्थिक व्यवस्था थी पंजाब की वो बिल्कुल डामाडोल हो गई। काफ़ी जो कर्ज था, जो 2007 में तकरीबन 45,000 करोड़ का कर्ज था पंजाब की सरकार पे, लेकिन जब 2017 आया तो 2 लाख करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर आ चुका था।
नंबर एक। और अगली बात जो माइग्रेशन किया है, इन 10 साल में जो युवा थे वो बिल्कुल एक उम्मीद खत्म हो चुकी थी उनके लिए, कि वो उनको नौकरी की उम्मीद नहीं थी। पढ़े लिखे हमारे जो नौजवान थे उनको जॉब्स की ज़रूरत थी या उनको कारोबार की ज़रूरत थी, लेकिन जो पंजाब की इकोनॉमी नीचे जा रही थी उसके चलते उनका जो भरोसा था वो बिल्कुल टूट चुका था। और इसका नतीजा था कि एक रीत, एक रिवायत चल पड़ी पंजाब के युवाओं में कि शायद हमें कनाडा या अमेरिका जाकर अच्छा भविष्य मिल सकता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 2017 में जब सरकार आई, फाइनेंशियली बहुत हालत खराब थी, लेकिन हमारे सीएम साहब ने अच्छी अपनी सोच से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस जो इकोनॉमी को दोबारा उस रास्ते पर लाया। जो नौकरियों की बात है, काफ़ी हद तक हमने हमारे रोजगार मेले जो पंजाब में कभी नहीं लगे थे वो लगने शुरू हुए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आए, और जो इंडस्ट्री है पंजाब में वो मैं उदाहरण देता हूँ, मंडी गोविंदगढ़ की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वहाँ पे कहा जाता है कि मंडी गोविंदगढ़ के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बना रहे ताकि फैक्ट्रियाँ चलती रहे, तो वो बिल्कुल बंद हो चुका था, वहाँ रोजगार खत्म हो गया था। ये सिर्फ एक उदाहरण है। तो अब हमारी ये जो सरकार ने इस जो हमारा अर्थव्यवस्था थी उसको दोबारा ली पर लाया है, और रोजगार के नए नए मौके पैदा हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अभी हमारे पास समय है और हम और अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि नशा भी एक मुद्दा था जिसके चलते बिल्कुल सीएम साहब ने कहा था कि मैं इसे इसकी कमर तोड़ दूंगा, कुछ बिल्कुल ऐसा उन्होंने इस जी बात को कहा था शुरू जी में। लेकिन हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, सुर्खियों में रहता है कि पंजाब का फलाना युवा फलाने बिल्कुल शहर में फलाने डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल ओवरडोज से मर गया या नशे जी की चपेट में आ गया, इतना किलो हेरोइन पकड़ा गया, इस तरह से एसटीएफ ने दबिश की। जी ये क्यों है, ये यूथ क्यों इस तरफ जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस तरफ कैसे ध्यान दे रही है इसे खत्म करने के लिए? देखिए, एक जो निराशा का माहौल था पंजाब में जो 2017 के टाइम पे बहुत चरम सीमा पर था, नौजवानों में जो नशे की बात है, बिल्कुल पंजाब में जो चिट्टा जिसको कह देते हैं वो उस तरह के जो नशे थे वो बहुत भरमार में बिक रहे थे, नौजवान नशे के उस पर लगे थे। लेकिन हमारे सीएम साहब ने कसम उठाई कि मैं इसका जो कमर है वो बिल्कुल तोड़ दूंगा, जो नशों की सप्लाई है। बिल्कुल हमने अच्छा काम किया, हमारी पुलिस ने, एसटीएफ ने जो नशे का जो कारोबार था उसकी कमर बिल्कुल टूट चुकी है। उसका जो आंकड़े हैं वो साफ स्पष्ट करते हैं। हमारी सरकार ने 2017 में ओट्स क्लिनिक खोले पंजाब में, ओट्स क्लिनिक जहाँ पे नौजवानों को नशे से हटाया जा रहा, जो डी एडिक्शन का प्रोग्राम था उसके तहत वो सब खुले थे। मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक जब से कोरोना शुरू हुआ उससे पहले तक 4 लाख नौजवान अब तक डी एडिक्शन में आ चुके हैं, वो अपना इलाज करवा रहे हैं, कुछ अभी लोग आंकड़ा बढ़ रहा आगे है। बढ़ भी चुके हैं और कुछ लोग अभी अच्छा रिकवर कर रहे हैं। और मैं एक बड़ी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो 2-3 महीने का टाइम पीरियड था जब लॉकडाउन था, 1 लाख नौजवान और जो रजिस्टर हुआ इसमें, मतलब 5 लाख नौजवान अब तक रजिस्टर होके काफ़ी उनमें से ठीक भी हो गए हैं, काफ़ी का इलाज चल रहा है। सो जो ये आंकड़े बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि जो नशे की जो बात थी उसमें हमारी सरकार सफलता की ओर बढ़ रही है। कमर पीर जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इन सब बातों के उलट जो धरातल पर स्थिति है वो कुछ उलट है? क्योंकि जो हालात हैं पंजाब का गबरू, मतलब पूरी दुनिया में कहा बिल्कुल जाता था पंजाब का गबरू जी जी जो पंजाबी में बिल्कुल कहते हैं, तो आज वो गबरू या तो नशे में सड़क पे ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो जाती है या एक नशेड़ी होके गिरफ्त में है दूसरा, या फिर वो हथियारों के चलते नए गाने गा रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है उस तरह से, कहाँ है वो साहित्य कहाँ गया? जो पंजाबियत है एक गबरू के अंदर वो कहाँ गायब हो गई आज? देखिए, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि पंजाब का गबरू कहीं पीछे रह गया। अब हमने अभी रिसेंटली देखा, हमारे नौजवान बॉर्डर पर पूरी बहादुरी से लड़ रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि उनमें से कुछ हमारे भाई शहीद हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पंजाब का जो शान है उसको बरकरार रखा और उसको और बढ़ाया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि काफ़ी केसेस ऐसे आए कि कहीं पर किसी युवा की
मृत्यु हो गई ओवरडोज की वजह से, लेकिन उस पे काम चल रहा है। वो जो हमारा टारगेट है वो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, हर नौजवान को इस चीज में से बाहर लाना जरूरी है। आपके पास अभी जिम्मेदारी है यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहाली जी से, बिल्कुल। यूथ के रूप में कांग्रेस पार्टी में जो अभी दो बड़े चेहरे देश राजनीति मतलब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देख लें जी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देखे जाते हैं, बिल्कुल जी। क्या लगता है लोकप्रियता किसकी सबसे ज्यादा है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो राहुल गांधी जी हैं वो हमारे लीडर हैं, हमारे प्रेसिडेंट थे, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द वो फिर से हमारे प्रेसिडेंट बने पार्टी के। बिल्कुल, प्रियंका जी की भी पॉपुलैरिटी कोई कम नहीं है। वो हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, और उनके ऊपर जो उनको एक जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है वो बहुत बखूबी उसको निभा रही हैं। यूपी के जो प्रभारी के तौर पर, मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस बात में कि राहुल जी हमारे लीडर नहीं है। 100% राहुल जी हमारे लीडर हैं, और प्रियंका जी ने भी ये बात स्पष्ट कर दिया। हर जगह उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ही मेरे लीडर हैं। मोहाली में अभी जो आपके पास जिम्मेदारी है जी जब आप कार्य कर रहे हैं इस सबके जी ऊपर, तो किन चैलेंजेस से आपको दो चार होना पड़ रहा है, किस तरह के चैलेंजेस हैं यूथ को अपने साथ जोड़ने में, कांग्रेस पार्टी में लाने में? देखिए, मैं जहाँ तक पंजाब की बात मैं करता हूँ, पंजाब में कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पर काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब यूथ मैं रोज़ नौजवानों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। किसी के काम है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ बात करते हैं, तो उनकी सब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि भी ऐसी बात है कि यूथ कांग्रेस के साथ नहीं है। जहाँ तक पंजाब की, जहाँ तक मेरे को पता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में जो एरिया आता है उसमें बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल स्ट्रांग है, और नौजवान हमारे साथ हैं, हमारी नीतियों के साथ हैं। कंवर बी जी, ना केवल पंजाब बल्कि देश का युवा केवल दो बातें चाहता है, अच्छी पढ़ाई और बिल्कुल अच्छी रोजगार। बिल्कुल जी तो कांग्रेस पार्टी या आपके पास जो अभी जिम्मेदारी है अपने डिस्ट्रिक्ट की, जी किस तरह से इंश्योर करते हैं कि जो आपके पास युवा वर्ग जुड़े या जो लोग पंजाब में जो यूथ अब जो आगे आ रहा है जी वो कैसे एम्पावर करेगा पंजाब के समाज को? देखिए, जहाँ तक आपने मेरे मोहाली की बात कर रहे हैं, मेरे पास यूथ आते हैं, किसी को जॉब्स की बात होती है, जहाँ तक मेरा जो चलता है मैं उनको जॉब्स भी दिलवाता हूँ, उनकी जो मदद हो सकती है अगर उनको कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी है या कहीं पे उनको किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा होता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा युवा ये दो चीज़ों को बहुत मतलब चाहता है, कि एक अच्छी पढ़ाई हो जाए और उसके बाद उनको एक श्योरिटी लाइफ के लिए हो जाए कि उनको जॉब मिले। सरकार बिल्कुल इस बात पे सीरियस है। मैं कहूँगा कि बड़ी गंभीरता से हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। हाँ, कुछ थोड़ा सा हमें कोरोना वायरस की वजह से जो जो सिस्टम बहुत अच्छा चल पड़ा था उस पे थोड़ा सा स्पीड स्लो हुई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो हमारे युवाओं की उम्मीदें हैं उन पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। इसी पे अगर हम बात करें तो शिक्षा पे भी एक बात आती है कि जी जहाँ पे स्कूल्स ने अभी एजेंडा खोला हुआ है सरकार के जी खिलाफ, कोर्ट तक जी में गए हुए हैं, जी जी अभिभावक जो हैं पेरेंट्स जो हैं वो सड़कों पे आए हुए हैं, जी फीस नहीं है देने को, जी तो क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? हालांकि आपने भी अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि कोर्ट में कहा है कि नहीं हम इसको अपोज करेंगे और अभिभावक फीस ना दें, कांग्रेस पार्टी ये बात कहती नजर आ रही है, तो जी कितना सार्थक है ये बात? देखिए, अब ये तो हमारी सरकार लेवल की बात है, तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल का कुछ जो जवाब है हमारे शिक्षा मंत्री पर कहीं या ना कहीं यूथ तो इससे प्रॉब्लम में आ ही रहा है, जो बच्चा देखिए, है स्कूल बिल्कुल गोइंग मैं बच्चा है बिल्कुल या कॉलेज गोइंग बिल्कुल बच्चा है। जो ये प्रॉब्लम आई है इससे ज़रूर कुछ पेरेंट्स को शिकायत भी थी, और किसी मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, लेकिन इसका जो हल है वो बिल्कुल निकालना ज़रूरी है और निकाला जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम एजुकेशन एक नेसेसिटी है। हेल्थ एजुकेशन दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो हर इंसान की नेसेसिटी है, तो इस बिल्कुल, पे ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, इसका हल जो है बहुत जल्द निकल आएगा। पिछले कुछ अरसे से कंवरबीर जी ये बात आ रही है कि पंजाबी मूवीज में जिस तरह से हथियारों का प्रमोशन किया जाता जी है, जिस तरह से शो ऑफ किया जाता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इसका बहुत ज्यादा प्रमोशन बिल्कुल कर रही थी, उसकी कहीं ना कहीं खिलाफत होती नजर आ रही है। जी तो आप जो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि आप यूथ से मिलते हैं, पंजाब जी के यूथ आपके युवा आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो कैसे देखते हैं ये मानसिक स्तर पे किस तरह से उनको ये वाकई इफेक्ट डालती है और ये पंजाबी इंडस्ट्री में जो हो रहा है ये क्या ठीक है? देखिए, मैं अपने पंजाबी कल्चर की बात बताऊंगा कि
जो पंजाबियों की कौम है वो हमेशा योद्धाओं की कौम रही है। हमने बहुत मुश्किल दौर देखे हैं, चाहे हम अहमद शाह अब्दाली के टाइम से देखें या मुगलों का टाइम हो या ब्रिटिश का टाइम हो। तो जब कोई भी बाहर से इस देश में आया तो पंजाब के रास्ते से आया है, तो हमारे एक स्वभाव में वो जो हमारी कथाएं थी जो पुरानी, वो हमारा कल्चर का पार्ट थी। लेकिन बिल्कुल आज शायद समा बहुत बदल चुका है, आज हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, बहुत तरक्की पे हैं, टेक्नोलॉजी का युग है। मैं समझता हूँ कि जो टाइम के साथ हमें इवॉल्व होने की वो ज़रूरत योद्धा थे, है। आपने ठीक कहा बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल अभी तो यहाँ बात हो रही है धमकी दे के, और बिल्कुल जिस तरह के जो शब्द हैं मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर हमने जी सबने जी सुने जिस तरह के जी जी गाने जी हैं, मैं वहीं पे आ रहा तो हूँ। लेकिन आज का जो समाज के हालात है वो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं, समाज की प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इन गानों का जो असर है वो शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे जो नौजवानों की सोच है उस पे असर डाल गलत रहा है। असर डालता है। तो मैं तो आपके माध्यम से भी आज जितने हमारे पंजाबी गायक हैं काफ़ी उनमें से काफ़ी उन्हें प्रण लिया भी है कि हम लोग जो हथियार या वायलेंस वाले जो गीत हैं वो नहीं गाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से बाकियों को भी विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो वायलेंस है इसको हम ख़त्म करें, और अगर हमें गाने गाने हैं तो उस चीज़ पर गाएं जो चीज़ हमें ज़िंदगी में आगे ले जा सके। पेट्रोल और डीजल की डेली कीमतें बढ़ रही हैं, जी पंजाब सरकार की भी खिलाफत हो रही है, विपक्षी पार्टियां रोज सड़कों पे खड़ी हैं, पंजाब सरकार को जी कोस रही हैं कि आप क्यों नहीं कम कर रहे हो, जी क्या कहना है आपका? देखिए पेट्रोल डीजल का तो मैं पिछले वीक मैंने भी प्रोटेस्ट किया मोहाली में इसके खिलाफ। मैं तो अकाली दल से एक बात का जवाब मांगता हूँ कि आपको सवाल उठाने की ज़रूरत क्या, जब आप दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, आपकी इतनी बड़ी लीडर हैं मैडम, वहाँ पे मिनिस्टर हैं, आप सीधा मोदी जी के पास जाइए, हम आपके साथ चलते हैं, आप हमारे आगे लगिए और कहिए कि मोदी जी हमारा दाम कम किया जाए। लेकिन उसके बजाय आप उल्टा स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जब जो दाम है वो दिल्ली से बढ़े हैं। आज क्रूड ऑयल का, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर क्रूड ऑयल पूरे ऑल टाइम हाई पर था, फिर भी हमने 55 रुपये लीटर पेट्रोल दिया। आज जब क्रूड ऑयल तकरीबन $40 पर बैरल, शायद उससे भी कम है, तो आज जो पेट्रोल है वो 75 या 80 रुपए के पास आ गया है। आज तक शायद मेरी उम्र आपसे शायद कम होगी, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा होगा कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया हो। ये जो सेंटर की सरकार है, मैं कहता हूँ आप अगर अर्थशास्त्र आपको सीखने की ज़रूरत है, तो अगर ऐसे चलेगा तो देश पर तरक्की नहीं कर नहीं सिद्धू साहब, सकता। लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि एक बॉल गेम होने लगा है ये, कि आप कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, अकाली दल को आप कटघरे में ले रहे हैं, जी अकाली दल या और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि कांग्रेस सरकार है जो नहीं कर रही है, जब क्योंकि जब यहाँ पे दो तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं, एक केंद्र को जाता है और एक राज्य सरकार के पास जी आता है, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाब सरकार का तकरीबन 20 रुपये से ऊपर टैक्स आ रहा है पेट्रोल की बिक्री के जी ऊपर, जी जी 22 रुपये या 23 रुपये के जी आसपास, तो क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए कम से कम थोड़ा सा सहयोग दे उसमें? बिल्कुल, उस पर आज कैबिनेट की मीटिंग है, मुझे पूरा यकीन है कि आज उसमें कोई ना कोई फैसला ज़रूर आएगा पेट्रोल के जो दाम का मुद्दा भी है। लेकिन मैं विपक्षी जो पार्टी है हमारे यहाँ पे पंजाब में, उनसे ये एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और पंजाब में आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया था? जब जब क्रूड ऑयल पूरा हाई पे था, फिर भी उन्होंने एक कंट्रोल रखा कि प्राइस को नीचे रखा जाए, तब ये दूसरी तरफ बात करते थे, आज ये कोई और बात करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इनकी बातों में कोई दम है। जहाँ तक आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आज मुझे पूरा उम्मीद है कि आज शायद मीटिंग का कुछ ना कुछ इसका नतीजा ज़रूर निकल आएगा। बहुत जल्द विधानसभा इलेक्शन फिर से आने लगे हैं, बिल्कुल जी हाँ तो अब क्या लगता है कि जिस तरह से आप सक्रिय हैं राजनीति में, जी जिम्मेदारी ऑलरेडी आप संभाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, जी क्या लगता है कि सीट आने लगी है कहीं नहीं ना कहीं से? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है, हमारी वर्किंग पे पूरा भरोसा, हमने पूरी मेहनत की है, लोगों के हक के लिए लड़े हैं। विकास की भी जहाँ तक बात है, पूरा विकास अच्छी तरह पंजाब में काम चल रहा है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि
ये जो और पार्टियां हैं, कोई आसपास भी कहीं खड़ा होगा? क्या आप भी किसी विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते देखिए, हैं? मैं तो पार्टी का सेवादार हूँ, मैं तो संगठन में काम करना चाहता हूँ, मैं तो संगठन के और धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी बनूँ। सो मैं एक वर्कर के तौर पर पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। अगर कभी पार्टी को अगर लगेगा कि ये आदमी अप्रोप्रिएट है तो जो उनका हुक्म होगा वो सर माथे पर है। आज प्रकाश टीवी के माध्यम से यूथ को, कोई पंजाब के यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं पंजाब के यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये ज़िंदगी है ये बार बार नहीं मिलती। जी हाँ, हमने काफ़ी मुश्किलें देखी हैं, इतिहास गवाह है, लेकिन जैसे ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है या ये जो पंजाबी गानों की हमने बात की है, ये वायलेंस इसमें कुछ नहीं रखा। अच्छा पढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाएं ताकि हम सब गर्व से कह सकें कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। योद्धाओं की ज़मीन है पंजाब, जहाँ पे हमने सूरमा दिए हैं, योद्धा दिए हैं, फिर चाहे वो मुग़ल हों चाहे ब्रिटिश हों, और हमने सामना किया है पुरजोर तरीके से। इसलिए ड्रग्स को कहें ना, हथियारों से थोड़ा सा करें तौबा, यह था कहना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहाली कमलबीर सिद्धू, जो कि पेशे से वकील भी हैं, आज हमारे साथ थे संवाद कार्यक्रम में। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।